हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अ गर्ल विद अ बास्केट चैप्टर के पार्ट थर्ड का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम काफ़ी की डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लास्ट पार्ट में यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, आज डिस्कस करते हैं इससे आगे का भाग। तो यहाँ तक राइटर क्या बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब इंडिया की सिचुएशन या इंडिया के लोगों की स्थिति क्या थी। तो यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्रॉम हियर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन, वो बच्चे, सेलिंग बास्केट, जो टोकरियां बेच रही थी, सेलिंग मतलब बेचना, बास्केट टोकरियां, वो बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, वो कौन थे, लड़के लड़कियां थे, किन के, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, यानी जिन शरणार्थियों के बारे में बात करता है राइटर ऊपर, कि जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आए थे, उन्हीं शरणार्थियों के लड़कियां लड़कियां थी जो कि यहाँ पर बास्केट बेच रहे थे। फिर से देखो लाइन को, तो चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, कि जो बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वो इन्हीं शरणार्थियों के लड़के लड़कियां थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन दी सिटीज। दे यानी बच्चे लोग, और देयर पेरेंट्स और उनके अभिभावक या माता पिता, और रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, इन दी सिटीज, शहरों में, यानी शहरों में आकर वो इकट्ठे हो गए थे, या मतलब क्या है कि शहरों में आकर वो बस गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना या स्थापना करना, स्टॉल्स यानी छोटी दुकानें, कि सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें स्थापित कर ली थी या बना ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना, और वो निर्माण करते थे किनका, सिंपल आर्टिकल, बहुत साधारण वस्तुओं का, यानी छोटी मोटी वस्तुओं का निर्माण करते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ट्राइंग, और वो कोशिश कर रहे थे क्या करने की, टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग एक फ्रेज है जिसका मतलब है आजीविका कमाना, यानी लर्निंग करना, सॉरी अर्निंग करना। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और वो बाजारों में आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे, बाजारों में जो क्या थे, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भरे हुए थे। ओवर क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, ओवर क्राउडेड यानी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी उनमें, ऐसी बाजारों में वो अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट, दैट लाइन द स्ट्रीट। दे लिव्ड, वो रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, क्लॉथ कपड़े, ग्रास यानी घास, शेड्स मतलब छप्पर, कपड़े और घास के छप्परों से बने घरों में रहते थे। दैट लाइन, जो पंक्ति से लगे हुए थे, लाइन का मतलब पंक्ति या कतार, यहाँ इसी का वर्ब बना दी है कि वो पंक्ति से लगे हुए थे, द स्ट्रीट, वहां की गलियों में। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स। पहले यहां तक देखते हैं। द पीजेंट, पीजेंट बोलते हैं छोटे किसानों को, या बोल सकते हो खेतीहर। अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, के इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे या छोटे किसान थे, हैड बीन अकस्टम, अकस्टम का मतलब होना है, होता है किस चीज का, किस चीज की आदत बढ़ जाना, यानी किस चीज के आदि हो जाना, किसके आदि हो चुके थे वो छोटे किसान, लिटिल थोड़े से, थोड़े से के, यानी थोड़े से सामान के ही आदि हो चुके थे, या उन्हें आदत पड़ गई थी थोड़े से भी गुजारा करने की। ऑल देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में छोटे जो किसान थे और शरणार्थियों के बीच, उनको बहुत थोड़े सामान में ही रहने की आदत पड़ चुकी थी। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मीन्स के लिए किया जाता है, कभी कभी के लिए, कभी कभी, कभी कभी प्राइस के लिए भी इसका यूज होता है, कभी कभी टाइम के लिए, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम के लिए भी फॉर का यूज होता है, यहाँ पर है क्योंकि या बिकॉज से, मतलब फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। क्योंकि क्या था, द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, किसकी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की,
एग्रीकल्चर यानी कृषि जो करते हैं फैमिली यानी कृषक परिवार की जो एनुअल इनकम या वार्षिक आय थी डज नॉट एक्सीड, एक्सीड्स का मतलब होता अधिक होना या बढ़ना, कि वो अधिक नहीं थी, किससे ज्यादा अधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज औसत रूप से देखा जाए तो वो अधिक नहीं थी, किससे, $100 अ ईयर, एक साल में $100 से अधिक नहीं थी। $100 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप देखें करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग या करेंट डॉलर रेट के अकॉर्डिंग, तो ये लगभग होगा 7,500 के करीब, कि जो उनकी एनुअल इनकम थी यानी वर्ष भर में वो केवल 7,500 ही रुपए औसतन कमा लेती थी, इसीलिए और वो बहुत थोड़े में ही उनको जीने की आदत पड़ गई थी। फिर से देखो स्लैन कपूरी को एक बार में, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत थोड़े से सामान में गुजारने के आदि हो चुके थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय होती थी वो $100 से ज्यादा अधिक नहीं होती थी, औसतन $100 ही होती थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. The average, एक औसत unskilled, skilled मतलब कुशल होना और unskilled मतलब अकुशल, laborer यानी श्रमिक या मजदूर। The average unskilled laborer कि एक औसतन अकुशल जो श्रमिक होता था makes यानी बनाना या कमाता था 30 cents a day, एक दिन में 30 सेंट, सेंट क्या होती है, जैसे इंडियन मॉनेटरी करेंसी जो रुपया है उसकी सबसे छोटी यूनिट पैसा होती है, जैसे 100 पैसे मिलाकर एक रुपया बनता है, ऐसे ही 100 सेंट मिलाकर एक डॉलर बनता है, तो सेंट क्या है, यूएस की जो एक्चुअल करेंसी है उसकी सबसे छोटी यूनिट, यानी डॉलर की सबसे छोटी यूनिट 100 सेंट्स बनकर एक डॉलर बना। 30 सेंट्स अ डे यानी एक दिन में वो केवल 30 सेंट ही कमा पाते थे, और या ये कह सकते हो लेस देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में लेस देन $2, $2 से भी लेस यानी कम। तो देखो फिर से, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक, एक औसत अकुशल श्रमिक एक दिन में 30 सेंट कमा लेता था, या कह सकते हो एक सप्ताह में $2 से भी वो कम कमा पाता था। देयर इज वन मील अ डे एन ओनियन, अब प्लीज पहले ये देखो लाइन क्या है, देयर इज वन मील अ डे, एक दिन में वन मील, मील मतलब भोजन, कि एक समय का ही भोजन होता था, एक दिन में एक समय का भोजन होता था, जिसमें क्या क्या था, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, बाउल यानी कटोरा, ऑफ पल्स यानी दाल का ही कटोरा, विद मिल्क दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, परहैप्स यानी शायद, अ बिट मतलब थोड़ा सा, ऑफ गोट चीज बकरी के गाय का चीज यानी पनीर, यानी कभी कभी बकरी के गाय का पनीर भी वो खा देते। No tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat. No tea, ना तो उनके पास पीने के लिए चाय थी, no coffee, ना ही कॉफ़ी थी, no fat, fat मतलब जो घी ऑयल यानी जो तेल होते हैं उनको फैट या वसा बोलते हैं, no fat, ना ही वसा था खाने में, no sweets, ना ही मिठाइयाँ थी, no meat, और ना ही मांस या नॉन वेज खाने का था। $100 a year is not $2 a week. $100 के $100 अ ईयर एक साल में, यदि एक साल में कोई व्यक्ति $100 कमाता है तो वो क्या है, इज नॉट, वो नहीं है $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 के बराबर या $2 के बराबर भी नहीं है, यानी कि यदि कोई किसान या कोई व्यक्ति एक साल में $100 कमाता है तो उसका मतलब है कि वो एक सप्ताह में केवल $2 कमाता है, या इंडियन करेंसी में बोल सकते हो कि एक सप्ताह में केवल 228 से 230 रुपए कमाता है। येट, और फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न,
येट फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, वो छोटा सा अमाउंट या राशि जो धनराशि थी, इज हार्ड टू अर्न, क्या क्या थी, हार्ड, कठिन थी या मुश्किल थी टू अर्न कमाने में, बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचकर, टू पीपल उन लोगों को, टू पीपल उन लोगों को जो क्या थे, टू पुअर, टू यानी बहुत ज़्यादा, पुअर यानी गरीब थे, टू बाय देम उन टोकरियों को खरीदने के लिए, यानी वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे सभी लोग ऐसे ही थे जो कि माइग्रेट करके भारत में आए थे, और इसीलिए बोला गया कि वो पहले से ही पुअर लोग थे और उन्हीं को इन बास्केट को बेच कर ये पैसे कमाना बहुत ही कठिन था। फिर से देखो, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, कि जो $100 एक वर्ष में जो कमाते थे वो एक सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं था, और फिर भी ये जो छोटी सी धनराशि थी वो कमाने में बहुत मुश्किल थी टोकरियाँ बेचकर उन लोगों को जो पहले से ही गरीब थे उनको खरीदने के लिए। दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिस्केंडेड ऑन मी लाइक लोटस, दैट नो डाउट, बिना किसी संदेह के या बिना किसी डाउट के, इज द रीज़न, यही कारण था, रीज़न यानी कारण, यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, कि ये छोटे बच्चे, डिस्केंडेड, डिस्केंडेड मतलब टूट पड़ना है, झपटना, कि ये छोटे बच्चे टूट पड़े थे ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोटस, लोटस मतलब टिड्डी, कि टिड्डियों की भांति मेरे ऊपर ये टूट पड़े थे, झपट पड़े थे, यही रीज़न था। क्योंकि क्या रीज़न था, कि वहाँ के जो लोग थे पहले से ही गरीब थे खरीदने के लिए, और जब उन लोगों की एक फॉरेनर या राइटर दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि ये एक अच्छा ग्राहक हो सकता है और अच्छे मूल्यों पर हमारी वस्तुओं को खरीद सकता है। दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन स्कैंडेड ऑन मी लाइक डॉक्टर्स, के बिना संदेह निसंदेह यही रीज़न था या यही कारण था कि ये छोटे लड़के मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, आई लेटर बताता है मेरे कि मैं एन अमेरिकन एक अमेरिका वासी वॉज डाउटलेस निसंदेह बिना किसी संदेह के क्या था द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, या प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब है अट्रैक्टिव कस्टमर के एक अच्छा या आकर्षक ग्राहक, दे हैड सीन जो उन्होंने अभी तक देखा हो, दे हैड सीन जो वो देख चुके हों उनमें से अब तक का सबसे अच्छा ग्राहक उन्हें नज़र आ रहा था निसंदेह कौन, जो राइटर था, क्योंकि वो अमेरिकन था और वो चाहते बच्चे चाहते थे कि अच्छे दामों पर वो उनके सामान को खरीद ले। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास, एनोदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू अ पीस। आई बॉट, मैंने खरीदे, बॉट बाय की सेकेंड फॉर्म है, यू बाय, बाय मतलब खरीदना, उसी की सेकेंड फॉर्म बॉट, कि मैंने खरीदे, क्या क्या खरीदे राइटर ने, वन टाइनी बास्केट, टाइनी मतलब छोटी बास्केट टोकरी, कि एक छोटी टोकरी, फॉर अ फ्यू अनास, कितने रुपए में, कुछ अनास में उन्होंने एक टोकरी खरीदी छोटी सी, अनदर एक अन्य फ्रूट बास्केट, फ्रूट यानी फलों की टोकरी, फॉर अ बिट मोर थोड़े से अधिक, अब बिट यानी थोड़ा, मोर लग गया थोड़े से अधिक में, यानी अब कुछ अनाज में उन्होंने छोटी बास्केट खरीदी और कुछ और में उन्होंने एक फलों वाली टोकरी खरीदी, अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट यानी रद्दी कागज से बनी हुई एक टोकरी, कितने में, अ रुपी, एक रुपये में खरीदी, अ ब्यूटिफुल स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर स्विंग मतलब सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट, कितने में, अ रुपी, एक रुपये में खरीदी, अ फ्यू फैंस और कुछ पंखे खरीदे, फैंस यानी कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना और टू अ पीस, यानी पीस के हिसाब से एक आना और दो आना में उन्होंने कई पंखे, सॉरी थोड़े से पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स,
माई आर्म्स मेरे जो भुजाएं थी, मेरे जो हाथ थे वर फिल्ड भर चुके थे एंड और आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स. और जो मैं यानी राइटर था वो क्या नहीं कर चुके थे, स्पेंट उन्होंने खर्च नहीं किए थे 50 सेंट, 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे और उनकी भुजाएं उनके हाथ सामान से भर चुकी थी, यानी बहुत कम रुपए में उन्होंने कई सारा सामान खरीद लिया था. द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर वेयर्स. द चिल्ड्रन जो बच्चे थे पास्ट इन, पास्ट यानी गुजरते गए, यानी आते गए गुजरते गए. शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग वेयर्स का मतलब सामानों के लिए आवाज़ लगाना. सामानों को अपने सामानों को बेचने के लिए आवाज़ लगाते हुए बच्चे पास्ट इन गुजर रहे थे या गुजरते गए. आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. आई वॉज प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी. राइटर अपनी तुलना एक कैदी से करता है. आई वॉज अ प्रिजनर कि मैं एक कैदी के समान था. कम्प्लीटेड सराउंडेड, कम्प्लीटली सराउंडेड, कम्प्लीटली पूरी तरह से सराउंडेड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ. अनेबल टू मूव और हिलने में असमर्थ, अनेबल यानी असमर्थ, टू मूव हिलने में, कि मैं हिलने में असमर्थ चारों ओर से घिरा हुआ एक कैदी के समान था. यानी बच्चों ने राइटर को चारों तरफ से घेर लिया था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी परिश्रमी. एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव का मतलब होता है कोई आक्रामक, लेकिन यहाँ आक्रामक अगर वेंडर, वेंडर मतलब सेलर या विक्रेता, इसके साथ यूज हुआ है. एग्रेसिव वेंडर मतलब एक ऐसा विक्रेता जो बहुत ही उत्सुक हो या बहुत ही तत्परता से अपने सामान को बेच रहा हो. द मोस्ट डिलीजेंट कि एक बहुत ही परिश्रमी एग्रेसिव वेंडर, बहुत ही आक्रामक विक्रेता वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9, 9 साल की सुंदर लड़की राइट इन फ्रंट, इन फ्रंट सामने थी किसकी, ऑफ मी यानी बिल्कुल मेरे ठीक सामने एक 9 साल की सुंदर लड़की जो कैसी दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी और बहुत ही अच्छी विक्रेता नज़र आ रही थी. नेक्स्ट लाइन, शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल. शी हैड, उसके पास क्या था, अ लवली एक सुंदर बास्केट टोकरी विद हैंडल, हैंडल वाली यानी हत्ते वाली एक सुंदर टोकरी थी उसके पास. एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट. शी वॉन्टेड, वो चाहती थी क्या, एक रुपया या क्या, अ हाफ, सॉरी, शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ, कि वो चाहती थी 1.5 रुपये, अ रुपये एंड हाफ यानी 1 रुपये और आधा, कि वो 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट इसके लिए. और अबाउट 30 सेंट या लगभग कितना, 30 सेंट वो राइटर से चाहती थी कि राइटर 30 सेंट में इसको टोकरी को खरीद ले. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. शी वॉज, वो कैसी दिखाई दे रही थी, एन अर्नेस्ट प्लीडर. अर्नेस्ट प्लीडर का यहाँ यूज हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से अनुग्रह विनय करने वाली यानी आग्रह करने वाली या विनती करने वाली कह सकते हैं. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही शानदार आग्रह करने वाली नज़र आ रही थी. देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देयर वर टीयर्स, आंसू थे इन हर आइज उसकी आंखों में. शी प्लीडेड, प्लीडेड मतलब आग्रह करना. एंड बेग्ड और प्रार्थना करती है, यानी प्रार्थना करती है और आग्रह करती है या विनती करती है इन टोन्स, ऐसे स्वर में, टोन्स यानी स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट. रिंग यानी पिघला देना या नम कर देना एनी हर्ट, किसी के भी हृदय को. यानी वो ऐसे स्वर में प्रार्थना कर रही थी या आग्रह कर रही थी जो स्वर किसी के भी हृदय को पिघला सकता है. मतलब यही है कि राइटर को भी वो ऐसे ही आग्रह कर रही थी कि राइटर उन सामानों के लिए खरीदने के लिए तैयार हो गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. माय आर्म्स वर फुल. राइटर कहते हैं माय आर्म्स, जो मेरी भुजाएं थी या मेरे हाथ थे, पर फुल क्या हो चुके थे, भर चुके थे. आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी. या रूम का मतलब है प्लेस या स्थान से, कि मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी. लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और अनदर बास्केट के लिए, फॉर अनदर बास्केट
दूसरी या अन्य टोकरी के लिए लेट अलोंग एनी नीड, ना ही क्या थी कोई आवश्यकता थी या जरूरत थी। आई हैड नो रूम, कि मेरे पास स्थान भी नहीं था, एंड क्या नहीं था, लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही आवश्यकता थी फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, I reached into my right coat pocket and got a handful of change. Balancing मतलब संभालते हुए, संतुलन बनाते हुए, संभालते हुए my baskets and pen, अपने टोकरी और पंखों को on my left arm, अपने बाएं भुजा पर या बाएं हाथ में अपनी टोकरी और पंखों को संभालते हुए I reached into my right coat pocket, मैं पहुंचा या मैंने अपना हाथ डाला, कहा into my right coat pocket, मेरे दाएं साइड के कोट की जेब में, and got a, और क्या निकाला मैंने, क्या मिला मुझे या क्या पाया, handful of change, मुट्ठी भर चेंज या खुले पैसे, चेंज मतलब खुले पैसे, कि और मुट्ठी भर पैसे मैंने निकाले, perhaps 15 cents in all, शायद वो कितने थे, 15 cents in all, वो पूरे मिलाकर 15 सेंट होंगे, उतने उसने अपनी जेब में से निकाले, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me, जिनको क्या किया राइटर ने, which जिनको I deposited, मैंने जमा कर दिया, मैंने डाल दिए, deposit मतलब जमा करने या डाल देना, मैंने डाल दिए in the basket उस टोकरी में, that the young girl जो वो छोटी लड़की held पकड़े हुए थी, imploringly, imploringly का मतलब है प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, before me मेरे सामने जो छोटी लड़की उस टोकरी को पकड़े हुए थी, प्रार्थना करते हुए पकड़े हुए थी, मैंने उस टोकरी में वो 15 सेंट डाल दिए या जमा कर दिए, डिपॉजिट डाल देना। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratitude as a substitute. तो पहले देखो आगे, I tried, मैंने कोशिश की to explain, समझाने की, explain करने की या वर्णन करने की, या मैंने समझाने की कोशिश की, that के I could not buy the basket, कि मैं क्या नहीं कर सकता, टोकरी को नहीं खरीद सकता, यानी उसके पास कोई जगह नहीं थी, ना ही किसी और टोकरी की उसको आवश्यकता थी। तो राइटर बोलते हैं कि मैंने समझाने की कोशिश की, मैं बास्केट या टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट लेकिन, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मतलब देना, गिव, मैं दे रहा हूँ दी ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, ग्रेचुटी मतलब एक दान या चैरिटी, एज अ सब्स्टिट्यूट विकल्प के रूप में, सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प या ऑप्शन, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं विकल्प के रूप में ये तुम्हें जो ग्रेचुटी या दान है वो दे रहा हूँ। I realized at once what offense I had given. I realized, जैसे ही राइटर ने पैसे उस टोकरी में डाले, तो उस लड़की के जो हाव भाव थे उसको देखकर राइटर को ऐसे लगा कि राइटर ने कुछ गलती कर दी है उसको पैसे दान में देकर। I realized at once का मतलब तभी या तुरंत। I realized, मैंने महसूस किया तभी क्या, what offense I had given, उस अपराध को मैंने अनुभव किया, मैंने रियलाइज किया जो मैंने किया है, that I had given, जो मैंने अपराध किया है, उस अपराध को मैं समझ गया था, रियलाइज कर गया था। The child of nine, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. लंबी लाइन है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। द चाइल्ड ऑफ नाइन, नौ साल की बच्ची, ड्रेस्ड, ड्रेस यानी पहनी हुई थी, इन रैग्स, रैग्स मतलब चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े, ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए यह नौ साल की छोटी लड़की, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भुखमरी, यानी भूख के कारण किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन, भुखमरी की कगार पर, एज यानी किनारा या कगार, कि ये लड़की जो थी छोटी और चिथड़े कपड़े पहने हुए थी और भुखमरी की कगार पर थी, उसने क्या किया, रेज्ड हर चिन, रेज यानी ऊपर उठाना, अपनी थोड़ी को उसने ऊपर उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट तक पहुंच,
एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी. ऑल द प्राइड संपूर्ण गौरव या सम्मान एंड ग्रेशियसनेस, ग्रेशियस शालीनता या शान ऑफ अ लेडी मतलब क्या होगा, एक महिला या एक स्त्री के पूर्ण गर्व और शालीनता के साथ उसने क्या किया, हैंडेड द मनी बैक टू मी. हैंडेड बैक यानी पुनः वापस कर देना, मनी यानी वो जो पैसा था जो राइटर ने दिया था, टू मी मुझको उसने वापस कर दिया. फिर से देखो क्या था कि वो छोटी 9 साल की लड़की जो कि चुथड़े कपड़े पहने हुए थी, भुखमरी की कगार पर थी, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, टोकरी तक पहुंची और एक महिला या एक स्त्री के संपूर्ण गौरव और शान के साथ उसने जो पैसे थे मुझे वापस कर दिए. नेक्स्ट लाइन, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. कि अब क्या था, ओनली वन थिंग केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू जो मैं कर सकता था. नेक्स्ट लाइन क्या था वो चीज, आई बॉट दी बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली. बॉट बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म, मैंने वो टोकरी खरीद ली. शी वाइप्ड हर आईज स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म. शी वाइप्ड, वाइप मतलब पोंछना, हर आईज उसने अपनी आंखों को पोंछा या आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड मुस्कुराई एंड डैश्ड डाउन, डैश मतलब दौड़ना, डाउन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ी या भागी. हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसकी तरफ जा रही थी, हेड यानी किसकी दिशा बता रही, हेडेड यानी उसका सर किस तरफ था, सम ग्रास हट कुछ घास की जो झोपड़ियां बनी हुई थी उसकी तरफ वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर दौड़ी. That would have at least, और क्या सोच रही थी कि क्या होगा उसके पास, would have कि उसके पास होगा at least कम से कम 30 cents, 30 cents that night उस रात. यानी वो बहुत खुश हुई कि उसकी टोकरी बिच गई है या राइटर ने खरीद ली है, तो वो बहुत खुशी के साथ वहां से नीचे अपने घर की तरफ चली जाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. आई टोल्ड, मैंने बताई दिस स्टोरी ये कहानी किनको, टू प्राइम मिनिस्टर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को. आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया या मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन ये एक कारण था, यानी ये भी एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव कि मैं प्रेम में पड़ गया विद इंडिया भारत के, यानी ये भी एक कारण था कि मुझे भारत या इंडिया से प्रेम हो गया, क्योंकि यहाँ के जो बच्चों के अंदर उसने जो आत्मा देखी थी एक सिटीजनशिप की और इतने अच्छे नागरिक होने की, तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो इंडिया के प्रेम में पड़ गया. द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस. द पीपल वो लोग, आई सॉ इन इंडिया मैंने देखे, इन इंडिया भारत में कौन कौन से लोग, दोज वे इन द विलेजेस गांव के, यानी गांव में जो थे, एज वेल एज फ्रेज इसका मतलब क्या है, के साथ साथ, यानी गांव के साथ साथ कहां के लोग, दोज वे लोग भी इन हाई ऑफिस जो उच्च दफ्तरों में काम करते हैं, यानी गांव के लोग भी और शहर के लोग, मैंने उन लोगों में देखा, क्या देखा, हैव बोथ दोनों के पास क्या थी, यानी गांव के लोगों के पास भी और शहर के लोगों के पास भी क्या थी, प्राइड एक गर्व था, गौरव था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. डिसेंसी मतलब सभ्यता या शिष्टता, एंड सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, कि नागरिकता और शिष्टता की एक जीवंत भावना थी. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और क्या अनुभव हुआ राइटर को, दे ऑल्सो हैव उनके पास और क्या था, अ पैशन एक तीव्र इच्छा फॉर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लिए, यानी लोगों को बहुत तीव्र इच्छा थी कि उनका देश जो है जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए या उसे फ्रीडम मिल जाए. दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर छोटी लड़की या बच्ची बॉर्न जो जन्मी या पैदा हुई इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, स्क्वेलर मतलब गंदगी एंड पॉवर्टी यानी गरीबी, ये गरीबी और गंदगी में पैदा हुई है छोटी लड़की, और कैसी थी, अनएजुकेटेड और अशिक्षित थी इन बोथ दोनों चीजों में, ग्रामर यानी
पढ़ाई लिखाई में भी एंड मैनर्स और व्यवहार में भी। ये सभ्यता और व्यवहार या पढ़ाई में दोनों में अशिक्षित ये लड़की क्या किया, उसने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, मुझे एक झलक दी। ग्लिम्स मतलब झलक या शॉर्ट व्यू, कि मुझे एक झलक दे गई ये लड़की। किस चीज की झलक? ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की गर्म आत्मा या भारत की एक सच्ची आत्मा की एक झलक मुझे दे गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।